सो हेलो, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो हम सब फिर से आ चुके हैं पार्ट नंबर 6 में हायर एजुकेशन सिस्टम को लेकर। जी हाँ, आज हम सभी डिस्कस करेंगे आपसे। आप सब जानते हैं कि हायर एजुकेशन सिस्टम के अंदर में हमारे कुछ चैप्टर्स हैं, जिसमें हमारा पहला चैप्टर जो हमें पढ़ना था वो है इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर लर्निंग एंड एजुकेशन इन एशियंट इंडिया के बारे में। तो आज एशियंट इंडिया को लेकर हमारी लास्ट क्लास होने वाली है। इससे पहले हम लोगों ने 5 पार्ट एशियंट इंडिया के बारे में पढ़ लिया, जहां हमने पढ़ा इंट्रोडक्शन के बारे में, हमने पढ़ा गुरुकुल के बारे में, हमने डिटेल में पढ़ा वैदिक सिस्टम के बारे में, हमने सभी वेदास के बारे में पढ़ा, बुद्धिस्ट के बारे में पढ़ा, साथ साथ मॉडर्न टीचिंग जो हमारे कॉन्सेप्ट थे, जैसे नालंदा आपका हो गया, तक्षशिला आपका हो गया, विक्रमशिला हो गया, उज्जैन हो गया, मतलब जितने भी हमारे थे, हमने उन सभी को अभी तक में कवर कर लिया। आज लास्ट पार्ट है जहां हम लोग कुछ एक्ट को पढ़ेंगे। इन सभी एक्ट्स बताऊंगा मैं आप लोगों को, और जो इम्पोर्टेंट कुछ एक्ट्स के आपको याद रखने हैं, बस वो पढ़ना आपको। और फिर पार्ट नंबर 7 से हम लोग मिलेंगे हायर एजुकेशन सिस्टम के चैप्टर नंबर 2, यानी कि एजुकेशन कैसा था हमारा पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में, वो हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास पार्ट नंबर 7 से। चलिए कंटिन्यू करते हैं लास्ट पार्ट को। जैसा मैंने पहले भी कहा है कि एक क्वेश्चन यहां से बनेगा, तो जितना मैं पढ़ा रहा हूं बस उतना पढ़िए, सफिशियंट है आप लोगों के लिए। चलिए इससे पहले थोड़ा सा समझे हम हर एक्ट के बारे में, थोड़ा सा पहले जल्दी से ओवरव्यू ले लेते हैं कि आखिर कितने एक्ट बने हुए हैं जो हम सभी को पढ़ना है। ठीक है, देखिए आप एक्ट के नाम याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक्ट का नेम और ईयर आपसे क्रॉस करके पूछा जा सकता है, या फिर बहुत बार ऐसा होता है कि एग्जामिनेशन में बोल देगा कि आप इन्हों एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगा दो, कह देगा कि आप इसको एक ऑर्डर में लगा दो जैसे ये स्टैब्लिश हुए हैं। तो इसलिए आपको ये सभी एक्ट याद होने चाहिए। मैं आपको ट्रिक्स याद करवाऊंगा, आप परेशान मत होइएगा, एकदम ट्रिक्स मैं सिखाऊंगा आप लोग को। ठीक है, चलो स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले याद रखो, देखो सबसे पहले क्या है, देखो पहले मैं आपको सभी एक्ट का नाम बता देता हूँ, फिर मैं इससे जुड़ी जो इम्पोर्टेंट चीजें मैं बाद में बताऊंगा, पहले एक्ट को एक बार देख लेते हैं। ठीक है, हाँ, तो सबसे पहला जो एक्ट हमारा है ध्यान रखिएगा, वो है चार्टर एक्ट। कौन सा है? चार्टर एक्ट कब आया है? 1830 में चार्टर एक्ट हमारा आया हुआ था। फिर 10 साल बाद क्या हमारा आया हुआ है? इसके बाद हमने हमारे यहाँ पे आया हुआ था, बोलता है अल्बस्टोन एक्ट। कौन सा था? अल्बस्टोन एक्ट कब आया है? चार्टर एक्ट के 10 साल बाद आपका अल्बस्टोन एक्ट आया हुआ। ठीक है, फाइन। उसके बाद हमारा आया हुआ है जनरल कमीशन, सेम उसी ईयर में आया हुआ है। ठीक है, तो अभी तक याद कर, मेरे साथ बोलते मैं रिकॉल करते रहिए, अब इसके बाद ट्रिक शुरू होने वाला है। यहां तो रिकॉल कर लिया मेरे साथ में, एक बार बोलो मेरे साथ में फटाफट। चार्टर एक्ट है 1813, 10 साल बाद कौन सा, बोलो बोलो बोलो, अल्बस्टोन एक्ट आया। ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। ठीक है, उसके बाद बताओ, उसके बाद बताओ, उसी ईयर में आया हुआ है हमारा कौन सा? जनरल कमीशन, सेम ईयर था 1823। अब उसके बाद याद रखो MWH, उसके बाद मेरे साथ बोलो आप फटाफट, MWH बोलो मेरे साथ, बोलो MWH बोलो मेरे साथ में, MWH मेरे साथ बोलो, यदि आप मेरे साथ बोलो रिकॉर्ड करो ना, MWH। एम मतलब क्या? एम मतलब क्या? देखो एम मतलब क्या? मार्कले, मार्कले एक्ट। एम मतलब क्या? मार्कले एक्ट। ठीक है, डब्ल्यू मतलब क्या? वूड्स डिस्पैच एक्ट, और एच मतलब क्या? हंटर एक्ट। तीन याद हो गया, बोलो MWH, MWH बोलो बोलो MWH, तो 5 याद हो गया, बोलो जल्दी से रिकॉल करो मेरे साथ में फटाफट। तो चार्टर एक्ट 1823, फिर 10 साल बाद कौन सा आया था? अल्बस्टोन एक्ट आया, फिर उसी ईयर में जनरल कमीशन आया, फिर उसके उसके बाद 3 नाम बताइए मुझे फटाफट। तो MWH, मार्कले, डब्ल्यू वुड्स, और एच मतलब हंटर। क्लियर हो गया, 3 याद हो गया, आगे बढ़ जाए फिर थोड़ा सा ईयर देख लीजिएगा, 1823 के बाद फिर 12 साल बाद, तो 12 ईयर के बाद आता है मार्कले एक्ट। ठीक है ना, और उसके बाद लगभग लगभग आप ले लो लगभग लगभग 1918-19 साल बाद हमारा आता है वुड्स डिस्पैच आता है, और उतने लगभग 30 साल के आसपास में के बाद लगभग 28 साल के आसपास में हंटर कमीशन हमारा आता है। ठीक है, एक्ट भी याद करते चलिएगा। उसके बाद देखिए तीनों आपके थोड़ा सा यूनिवर्सिटीज को लेके हैं। देखिए कौन कौन से हैं, यूनिवर्सिटी कमीशन एक्ट आता है, आपने सुना भी होगा यूनिवर्सिटीज का जो एक्ट हमारा पास हुआ है। देखिए यूनिवर्सिटीज का एक्ट 1904 में पास हुआ, पहली बात है। ठीक है, लेकिन यूनिवर्सिटी कमीशन जो कमीशन बनी थी, क्योंकि कमीशन की बात हो रही है हमारी, तो जो यूनिवर्सिटी की जो कमीशन बना था हमारा, ठीक है, तो
तो जो कमीशन बना था, जिसने अपनी बातें रखी थी, वो 1902 में रखी थी। 1902 में हमने एक कमिटी का हमने बनाया था, बाद में पढ़ेंगे आखिर क्या कुछ हुआ था उसमें। तो फिलहाल बस याद रखो कि 1902 में क्या यूनिवर्सिटी कमीशन बना, 1902 में बना था। फिर उसके बाद क्या था, अगर यूनिवर्सिटी कमीशन बनी है तो यार कुछ उसमें सुधार नहीं होना चाहिए क्या? होना चाहिए। तो 1902 में बना था यूनिवर्सिटी कमीशन, 3 साल के बाद 1905 में बना है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन, जिसे NCE कहा जाता भी है। तो 1912 में क्या बना था, यूनिवर्सिटी कमीशन बना है, 3 साल के बाद क्या बना हुआ है हमारा, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन 1905 में बना हुआ है। और फिर उसका क्या रिजोल्यूशन पास हुआ, ठीक है, जैसे हम लोग हर साल पे क्या, हर न्यू ईयर पे क्या लेते हैं, रिजोल्यूशन लेते हैं ना, क्या आज के साल तो मैं ये करूंगा, मैं इस साल ये करने का एक रिजोल्यूशन लेता हूं। तो वैसे ही क्या होता है, 1905 के बाद 8 साल के बाद हमने रिजोल्यूशन लिया यार एजुकेशन के सिस्टम में। तो 1930 में क्या हुआ, हमने एजुकेशन पॉलिसी में रिजोल्यूशन लिया। यहां तक फिर क्लियर हो गया? देखो दो तीन नाम आपने याद किया, कैसे ऐसे आपने याद किया, फिर तीन नाम का मैंने ट्रिक दिया MWH का, फिर तीन नाम ऐसे याद कर लो मेरे साथ में। तो फटाफट क्या था, यूनिवर्सिटी, फिर उसका कॉन्सेप्ट और फिर उसका रिजोल्यूशन, तीन याद हो गया। अब देखो फिर से ट्रिक देखो, देखो ट्रिक देखो, थोड़ा सा मैं मजाक करूंगा बट थोड़ा सा डोंट टेक ऑन सीरियसली, ठीक है, आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक यू लर्न, ठीक है। जैसा याद कर लो, देखो सैंडल, सैंडल से मारना, ऐसा सैंडल से मारा किसी ने ना, देखो थोड़ा सा मैं आई एम गोइंग टू यूज द सम इनएप्रोप्रिएट वर्ड बट प्लीज डोंट माइंड बट वॉट इज इंपॉर्टेंट की यू हैव टू लर्न, ठीक है ना। तो मैं आपको थोड़ा सा ट्रिक्स ऐड करने की कोशिश कर रहा हूँ, सो डोंट टेक ऑन वर्ड, ठीक है ना, फाइन, मूविंग अहेड। सो देखो ना, तो याद करने ट्रिक देखो, सैंडल से ऐसा मारो, सबको मारो, हर को मारो, एवरीवन। तो सैंडल में कि सैंडल सबको, यानी कि हर हर टैक हर को मारना, ठीक है, और तब तक मारो जब तक यू से अनएम्प्लॉयमेंट ना हो जाए वो, क्योंकि मानो चीटिंग कर रहा था ना वो, करप्टेड पर्सन था, जो पर्सन था बहुत ही करप्टेड था। तो ऑलरेडी वॉज वेरी इरिटेटिंग बाय, ऑलरेडी गॉट इरिटेटेड बाय बाय हिम। सो क्या किया उसने, सैंडल से निकाला और हर को मारा, हर को मारा, कब तक मारा, जब तक यू से अनएम्प्लॉयमेंट। ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा मैं आपको भी याद दिखा देता हूँ, सपनू कमेटी बनाया ही गया था अनएम्प्लॉयमेंट के लिए। तो याद करेंगे ट्रिक किया है, यू मतलब अनएम्प्लॉयमेंट, तब तक जब तक वो अनएम्प्लॉयड ना हो गया। अच्छा, मारने पर क्या किया ना उसने, उस लेडी ने रिपोर्ट दिया, ये जैसे मारा और फिर उसका रिपोर्ट कि क्यों मारा, तो इसका रिपोर्ट दिया, किसको रिपोर्ट दिया, अबोट वुड्स को रिपोर्ट दिया। याद करने का ट्रिक किया है, मारा फिर अबोट्स वुड को रिपोर्ट दिया, ठीक है। अब जब रिपोर्ट मिल गया, ठीक है, उस आदमी को, तो उसने उसको क्या कह दिया ना, उसने जो ऑफिसर था, ठीक है, उसने उसको वर्धा, कहाँ पे वो होता है जिसे कहते हैं वो, वर्धा आश्रम भेज दिया। तो उसने उसको कहाँ भेज दिया, वर्धा भेज दिया। वहां पे क्या हुआ, वहां पे उसकी सुई लगाई गई, उसको सर्जेंट, उसकी सर्जरी हुई मान लीजिए, जैसे सुधारा जा सके उसको, ये लीजिए सर्जेंट हो गया। याद हो गया यहाँ तक क्या चाहिए, कैसे मैं फिर से रिपीट करता हूँ, एक लेडी थी बहुत इरिटेट हो गई एक करप्टेड पर्सन से, तो उसने क्या किया, सभी को मारा सैंडल से, किसको मारा, जितने थे सभी को मारा, जितने जो करप्टेड थे हर को मारा, कब तक, जब तक यू से अनएम्प्लॉयमेंट ना हो गया वो, यू मतलब सप्रू में यू आ रहा, यू मतलब अनएम्प्लॉयमेंट, ध्यान रखिएगा सप्रू कमेटी बनेगी या अनएम्प्लॉयमेंट के लिए, तो यू जब तक अनएम्प्लॉयड नहीं हो गया, ठीक है ना। मानी बात क्या किया, रिपोर्ट दिया, किसको रिपोर्ट दिया, अबूट वर्ड्स को रिपोर्ट दिया। रिपोर्ट मिलने के बाद ऑफिसर ने क्या किया, उसका वर्धा आश्रम भेज दिया, चलो भाग में से, ठीक है ना। तो वर्धा, इसके बाद वर्धा कमेटी आती है, ठीक है, वहां पे क्या, वहां पे सर्जरी लग गई, सर्जेंट, ठीक है ना। बस इतना है, यही एक्ट है, यही कमीशन है, इसके बियॉन्ड कोई कमीशन है नहीं यार प्री इंडिपेंडेंस में। इंडिपेंडेंस से पहले यही हमको कमीशन याद करनी है, क्लियर हो गया, बहुत ही सिंपल। मैंने उम्मीद करता हूं मैंने आपको याद करा दिया होगा। पर चार्टर आया, चार्टर के बाद क्या हुआ, एलबस्टोन, फेलोस्टोन के बाद क्या हुआ आपका, जनरल कमीशन बना था। फिर तीन मैट्रिक बताए, MWH, मार्कले, वुड्स डिस्पैच, हंटर कमीशन। फिर तेने याद कर लो कौन कौन सा, यूनिवर्सिटी, उसका कौन से, और फिर उसका रिजोल्यूशन। फिर उसके बाद ट्रिकी ट्रिकी हमारा क्या है, सैंडर से हर को मारा जब तक यूज़ अनएम्प्लॉयमेंट नहीं हो गया। मानी पर उसका रिपोर्ट दिया, रिपोर्ट दिया, ठीक है, रिपोर्ट दिया, और फिर रिपोर्ट देने में फिर क्या हुआ, तो उसको क्या, उसको कहाँ भेज दिया, रिपोर्ट देने में उसको वर्धा आश्रम भेज दिया गया, ठीक है ना। और वहां पे उसकी क्या हुआ, सर्जरी उसकी हुई। याद कर लो ट्रिक, तो याद हो गया मुझे लगता है,
चलो इतना समझ में आ गया। थोड़ा सा बात करते हैं कुछ कमीशंस को, मैं आपसे बात करने वाला हूँ यहाँ पे, जो इनमें से कुछ ऐसे कमीशंस हैं जहां से क्वेश्चंस पॉइंट आउट हो सकता है, थोड़ा सा फोकस करने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। देखिएगा पहला तो सिद्धांत देखिएगा, पहला मैं बात करता हूँ चार्टर एक्ट का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर मैं चार्टर एक्ट की बात करूं तो ये पहला स्टेप था गवर्नमेंट का, सरकार द्वारा पहला स्टेप था एजुकेशन को लेके। तो द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स एजुकेशन बीन मेड ऑन ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट, सरकार का पहली बार जो एजुकेशन को लेके, शिक्षा को लेके जो ऑब्जेक्टिव बनाया गया था पहली बार, वो चार्टर एक्ट में ही बनाया गया था, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे क्या था, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा एक स्प्लिट था, यहाँ पे थोड़ा सा भेदभाव, मतलब कि एक तरीके का मतभेद भी हो गया था सरकार के बीच में कि आखिर हम किस नेचर का एजुकेशन ले आए, हम ट्रेडिशनल एजुकेशन लेके आए या मॉडर्न। तो थोड़ा सा स्प्लिट भी था सरकार का एजुकेशन के वी पॉइंट से कि ट्रेडिशनल किया जाए कि मॉडर्न किया जाए। तो ये चार्टर एक्ट के, इससे बियॉन्ड चार्टर एक्ट में आपको कुछ नहीं पढ़ना, ठीक है, आ जाओ आगे आ जाओ। फिर उसके बाद ये सब थोड़ा सा आप देखिए, मैं फिर बता रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट है, अब स्टोन जनरल ये सब छोड़ दो, अब सीधे से आ जाओ मार्कले पे। थोड़ा सा यहाँ पे इम्पोर्टेंट ध्यान के क्या है, मार्कले एक्ट में जो मार्कले 1835 में बना था आपका, अच्छा इसके एक्ट याद कर लीजिएगा, इसके ये कमीशन याद हो गया, ईयर याद कर लीजिएगा, ईयर याद कर लीजिएगा, ईयर से पूछेगा। तो अगर मैं मार्कले मैनुअल्स की बात करूं आपसे, तो मार्कले मैनुअल्स कब बना है, 1835 के अंदर में आपका मार्कले मैनुअल्स बना हुआ था। किसने किसके द्वारा लाया गया था, तो ध्यान रखिए इसके अंदर में मार्कले मैनुअल्स के अंदर में लॉर्ड विलियम बैंट्रिक थे, लॉर्ड विलियम बैंट्रिक डिसाइडेड टू इंट्रोड्यूस द इंग्लिश, he thought to bring the English as a medium of education. इन्होंने सोचा कि यार इंग्लिश भी तो होना चाहिए ना एजुकेशन में। तो मार्कले मैनुअल्स जो 1835 में हुआ था, वहां पे लॉर्ड विलियम बेंट्रिक ने डिसाइड किया कि इंग्लिश को लाया जाए एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन के तौर पे, ठीक है, फाइन सर आगे बढ़ जाओ। फिर 1900 उसके बाद आप थोड़ा सा छोड़ सकते हो, वुड्स हो गया, हंटर हो गया, उतना इंपॉर्टेंट नहीं। फिर यूनिवर्सिटी कमीशन फर्स्ट आप लोग इंपॉर्टेंट है, अगर मैं यूनिवर्सिटी कमीशन की बात करूं तो यूनिवर्सिटी कमीशन 1902 में आपका यूनिवर्सिटी कमीशन बनता है। नाउ द क्वेश्चन इज कि किसने बनवाया था, तो याद रखिएगा यूनिवर्सिटी कमीशन जो 1902 में बना था, इसको सर थॉमस रले ने बनवाया था। और जैसा मैंने पहले भी कहा कि ये कमीशन है, एक्ट नहीं है, तो यूनिवर्सिटीज को बनाने के लिए हमने कमीशन का गठन किया हुआ था, एक कमेटी जैसे आप कह सकते हो बनाया था। और उसके बाद 1904 में हमने यूनिवर्सिटी एक्ट, यानी भारत का यूनिवर्सिटी एक्ट, इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट पास कर दिया। अब यूनिवर्सिटीज क्या होती है, कैसे बनती है, ये हम लोग आज कवर नहीं करेंगे, हालांकि हमारे सिलेबस का पार्ट है हायर एजुकेशन का, फर्दर चैप्टर नंबर 3 या चैप्टर 4 में उसको पढ़ेंगे, अभी फिलहाल चैप्टर 1 में नहीं पढ़ने वाले उसको। फिर 19 के बाद फिर आपको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट याद कर लीजिएगा, वो 1905 की तो याद कर लीजिएगा, जो नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन है, NCE, जिसको मैंने कहा इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा। तो 1905 में हमने नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन को बनाया था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये जो 1905 में नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन बनाया गया है आपका, ये बनाया किसके द्वारा गया था, तो स्वदेशी जो लीडर्स थे, स्वदेशी नेशनलिस्ट लीडर्स के द्वारा 1905 में हमने नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन बनाया था। और यही इसका नतीजा अगर मैं आपसे बात करूं तो इस काउंसिल ऑफ एजुकेशन का जो रिस्पॉन्स था, जो नतीजा था, वो यह था कि जादवपुर यूनिवर्सिटी जो है आपकी, वो इसी की देन है। तो स्वदेशी नेशनल लीडर द्वारा ही 1905 में नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन बनाया था, और इसका रिजल्ट क्या था, जादवपुर यूनिवर्सिटी इसी का रिजल्ट है। ध्यान रखिएगा 1905 में ही श्री रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने शांति निकेतन श्री रविन्द्रनाथ टैगोर ने स्टार्ट किया था बंगाल में, इसी 1905 में, ध्यान रखिएगा, पूछ सकता क्रॉस करके क्वेश्चंस। आगे बढ़ते हैं, फिर हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो इसके बाद आपको थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, थोड़ा सा वो पढ़ना है सैंडर्स, इसके बाद आपको पढ़ना है सैंडर्स कमीशन, तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है सैंडर्स। अब देखो सैंडर्स कमीशन में क्या था, तो सैंडर्स कमीशन की अगर मैं आपसे बात करूं तो सैंडल कमीशन को ही हम लोग कलकत्ता यूनिवर्सिटी भी कहते हैं,
तो ध्यान रखिएगा, अगर कलकत्ता यूनिवर्सिटी की बातें कहेगा तो सैंडर्स कमीशन की बातें वो करना चाहता है। इस 1917 सैंडर्स कमेटी के अंदर, सैंडर्स कमीशन के अंदर में उन्होंने सजेस्ट किया, इस कमीशन में सजेस्ट ऐसा बातें रखी गई, उन्होंने अपना एडवाइस दिया कि क्यों ना हम इंटरमीडिएट एजुकेशन को डिग्री एजुकेशन से अलग कर दें। इट मीन्स व्हाट दे डिसाइडेड टू दैट दे गिव द सजेशन टू डिफरेंशिएट बिटवीन द इंटरमीडिएट एजुकेशन एंड एज वेल एंड द डिग्री एजुकेशन। यानी उन्होंने यहाँ पे दोनों को अलग करने की, सेपरेशन करने की बातें कही गई थी सैंडर्स कमीशन। मतलब सैंडर्स से मारे गए तो अलग होगा ना, तो यहाँ पे अलग करने की बातें कही गई थी। एक बात और ध्यान रखिएगा, 1917 में ही हमने केब, जिसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, लिख लीजिएगा केब, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन का ही हमने 1917 में ही इसको स्टैब्लिश किया था हमने। हालांकि यह चला चल नहीं पाया था और 1923 में यह उस समय डिसॉल्व हो गया था, समाप्त हो गया था। ठीक है, इतना सैंडर्स वाले पढ़ लो यार, बहुत है। फिर उसके बाद जो हमारे हमको जो एग्जामिनेशन में पढ़ अच्छा से जाना है वो अबॉर्ड बोर्ड ने वर्धा कमेटी को, उसको वर्धा आश्रम भेजना पड़ा था ना, उसको मारा इतना गया था ना, तो बस ऐसा है। यहाँ पर अगर मैं वर्धा स्कीम की बात करूं तो 1937 के अंदर में वर्धा स्कीम को लाया गया था। इस स्कीम में यह रिकमेंड किया गया था किसके द्वारा, महात्मा गांधी के रिकमेंडेशन पे ऐसा रिकमेंड किया गया था कि कुछ नई तालीम, शिक्षा, एजुकेशन चीजों को इसमें ऐसा रिकमेंड किया गया था महात्मा गांधी ने कि यार हम लोगों को जो हमारा एजुकेशन का चीजें है ना थोड़ा सा बदल के नया करना चाहिए। तो वर्धा आज स्क्रीम में यही लाया गया था, महात्मा गांधी रिकमेंडेशन दिया था कि नई तालीम लाया जाए, नया एजुकेशन लाया जाए। तो ये कब था, 1937 में बाय द वर्धा स्क्रीम में ऐसा चीजें कही गई थी। आगे बढ़ते हैं, जो हमारे इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन के लिए वो है सर्जन रिपोर्ट। तो सर्जन रिपोर्ट में क्या होता है ना, तो सर्जन रिपोर्ट में हमने रिकमेंडेशन दिया था यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन को सेटअप करने का सजेशंस 1944 में, यानी कि सर्जेंट कमेटी में हमारा आया था। सो दैट्स ऑल। तो इसके साथ में हम लोगों ने 6th पार्ट में जो चैप्टर 1 है हमारा हायर एजुकेशन सिस्टम का, जिसमें था इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर लर्निंग एंड एजुकेशन इन एंशिएंट इंडिया, चैप्टर फर्स्ट जो हमारा था हायर एजुकेशन का, हमने फिनिश कर दिया। तो 6 लेक्चर्स मैंने उसको फिनिश किया है। अब हम लोग पार्ट नंबर 7th में जब आपसे मिलेंगे तो हमारा चैप्टर नंबर 2 होगा, जो हम लोग जहां हम लोग पढ़ने वाले हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस के बारे में, जिसका मतलब होता है इवैल्यूएशन ऑफ हायर लर्निंग एंड रिसर्च इन पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया। तो कैसे पोस्ट इंडिपेंडेंस में क्या हुआ, कैसे हुआ, कैसे क्या कुछ होता है, इन सभी हम लोग पढ़ेंगे। होप सो यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक दिस वीडियो, डू शेयर दिस वीडियो अमंग योर फ्रेंड्स, एंड इफ यू नॉट सब्सक्राइब द चैनल, डू सब्सक्राइब दिस YouTube चैनल फॉर मोर इंपॉर्टेंट वीडियोस, एंड प्लीज ज्वाइन अस ऑन द टेलीग्राम चैनल, दैट इज अभी अपडेट फॉर UGC। तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी दोस्तों के बीच में इस वीडियो को शेयर जरूर करें। और अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिएगा, हमारे टेलीग्राम चैनल का नेम है अभी अपडेट फॉर UGC। मिलते हैं आपसे वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।